देख रहे हैं CN24। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने राप्ती तट पर बने महागुरु गोरक्षनाथ घाट, राजघाट और रामघाट का लोकार्पण किया था। उस वक्त उन्होंने गंगा आरती की तरह राप्ती नदी की भी आरती कराने को कहा था। उन्होंने कहा था कि इससे हम अपनी नदियों का महत्व समझेंगे और उन्हें प्रदूषित होने से बचाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद अब बनारस की तरह गोरखपुर में भी राप्ती नदी की आरती विगत 9 मार्च से शुरू हो गई है। अब सप्ताह के हर मंगलवार को शाम को राप्ती तट स्थित महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट पर आरती हो रही है। 9 मार्च को राप्ती तट पर आरती का शुभारंभ महापौर सीताराम जायसवाल के द्वारा किया गया था और इसी क्रम में दूसरे सप्ताह के मंगलवार 16 मार्च की आरती में स्थानीय लोगों का अच्छा उत्साह देखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक राकेश श्रीवास्तव एवं स्थानीय पार्षद संजय श्रीवास्तव समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि गोरखपुर के राप्ती तट पर घाटों को सुंदर तरह से बनाया गया है। हर आने जाने वाले जब घाटों पर पहुंचते हैं तो वहां की भव्यता को देखकर चौंक जा रहे हैं। राप्ती तट पर कभी सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए ही लोग आते थे, अब व्यवस्था इतनी बदल गई है कि लोग टहलने और मन बहलाने के लिए राप्ती तट पर जाना पसंद कर रहे हैं। पूरे दिन वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। घाटों की भव्यता और उसकी बनावट काफ़ी आकर्षक है। सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आप घाटों के किसी भी सीढ़ी पर आराम से बैठकर राप्ती नदी की मनोरम छटा को देख सकते हैं। हाँ, ये योगी जी आए हुए थे हमारे, उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे आरती वगैरह अगर आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जितने लोग आसपास के लोग हैं वो लोग आ रहे हैं और आरती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, मतलब मैं पहले एक दो बार ही आई थी, बट जब से ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं तो मुझे मतलब अक्सर आया करती हूँ, अच्छा लगता है। आरती आज मतलब बहुत अच्छी आरती हुई है, तो मैं तो कोशिश करूँगी कि मैं हर मंगलवार को आया करूँ।